हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? चलो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो चलो देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आज का जो टॉपिक है वो नाम क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को समझ ले। फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करे, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। या अनदर वे में हम लोग कह सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का एक हो जाए, सेम हो जाए, मतलब लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। चलो हम लोग देखते हैं इसको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कहता है फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which liquid state and solid state are in equilibrium। इसको हम लोग बच्चे क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। और हम लोग कह सकते हैं कि अनदर वर्ड्स, या हम लोग कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid state and solid state will be same। मतलब हम लोग एक पॉइंट में कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर क्या हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का बराबर हो जाए, उसको हम लोग बच्चे भी क्या बोलेंगे? उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। और देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉल्वेंट, ये टेम्परेचर जो होगा ना, प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा? मैक्सिमम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर जो होगा ना सॉल्यूशन का। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। इसीलिए उधर देखो, बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोले थे? जब कोई भी लिक्विड कंपोनेंट है
उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को हम लोग डालेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटता था लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था। इसमें सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कहता है सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा कम होता है प्योर वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट का, इज लेस देन प्योर सॉल्वेंट का। इसका मतलब क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, सी वाटर के रिस्पेक्ट में। चलो ठीक है बच्चा, इसको लिखो, राइट डाउन करो। चलो ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। अब देखो, यदि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या होगा, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जिसका टेम्परेचर, उसमें से क्या करेंगे, कम वाला का हम लोग माइनस करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ये हो गया तुमको क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग निकाले। डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर देखो बच्चे, टी नॉट एफ जो है ना, ये है क्या, टी नॉट एफ क्या हो गया, टेम्परेचर किसका हो गया, प्योर सॉल्वेंट का। टी नॉट एफ हो गया टेम्परेचर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। टी नॉट एफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, और टी एफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। तो वहाँ पर क्या हुआ था, सॉल्यूशन के टेम्परेचर से हम लोग क्या किए, सॉल्वेंट को सब्सट्रैक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो इसको यदि हम लोग ग्राफ से बच्चा रिप्रेजेंट करके देखें, देखो इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को ले लिए, और इस डायरेक्शन में क्या किए, टेम्परेचर को ले लिए। हम आपको क्या बताएं कि सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होगा, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब देखो हम ले लेते हैं इस कंपोनेंट को, ये ले लिए किसका, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या हो गया, आइस है या सॉलिड मॉलिक्यूल्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्योर सॉल्वेंट को पहले लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है ये, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है ये, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है। तो हम क्या बताए हैं कि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या हो, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का क्या हो, इक्वल हो, तो इस टेम्परेचर को हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, इसको टी नॉट एफ बोलेंगे। ये क्या हो गया, टी नॉट एफ हो गया। अब हम इसको पॉइंट फर्स्ट लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन का लेते हैं, मतलब प्योर सॉल्वेंट में हम लोग क्या किए, कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दिए, इसमें सॉल्यूट को हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो इस समय वेपर प्रेशर नहीं, टेम्परेचर क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो जिस टेम्परेचर पर जब डिक्रीज कर जाएगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, इसको हम लोग सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर का इक्वल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का टी एफ बोलेंगे। इसका मतलब इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं प्योर सॉल्वेंट है ये प्योर सॉल्वेंट हो गया, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चा, सॉल्यूशन बोलेंगे इसको, और दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ बोलते हैं बच्चे, डेल्टा टी एफ। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, कम है किसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ बराबर क्या, टी नॉट एफ माइनस टी एफ लिख सकते हैं ना। चलो इसको राइट डाउन करो, ये ग्राफ हो गया।
चलो ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करता है या एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है इसका बैकमेंस मेथड से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड विथ द हेल्प ऑफ बैकमेंस मेथड और रेस्ट कैम्फर मेथड। इससे हम लोग बच्चा क्या करते हैं, इसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। बैकमेंस मेथड और रेस्ट कैम्फर मेथड डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो फॉर द स्टडी ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूजिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज नोन एज क्रायोस्कोपी। इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, क्रायोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे क्रायोस्कोपी कांस्टेंट भी होगा। अब देखो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखो, फर्स्ट पॉइंट में है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन वेपर प्रेशर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन वेपर प्रेशर। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा टी एफ जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का होता है। सेकेंड पॉइंट में देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी का होता है बच्चे। तो इसको हम लोग लिख सकता हूँ डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। यहाँ पर देखो के एफ जो है इसको बोलता हूँ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको बोलता हूँ बच्चे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और स्मॉल एम जो है इसको बोलता हूँ क्या, मोलालिटी इन मोल पर केजी में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है बच्चे। इसको राइट डाउन करो। चलो ठीक, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी मोल इन्वर्स होगा। अब देखो के एफ का जो यूनिट होता है, सॉरी हाँ ठीक है, के एफ इसका जो यूनिट होता है केल्विन केजी मोल इन्वर्स इसका यूनिट होता है। अब देखो के एफ का वैल्यू जो होता है फॉर प्योर वाटर का जो होता है ना, वो होता है 1.86 केल्विन केजी मोल इन्वर्स होता है। तो हम लोग मोलल
डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो है ना, इसको डिफाइन करेंगे। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट कॉन्स्टेंट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन प्रोड्यूस व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट। इसी को बच्चे हम लोग क्या बोलेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे। अब देखो, अब क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ के एफ इज नॉट गिवेन तब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। के एफ इक्वल्स टू आर टी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या हम लोग लिख सकते हैं आर टी एफ का स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। अब यहाँ पर देखो क्या है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। इसका जनरली हम लोग वैल्यू जो यूज करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में यूज करेंगे, या टू कैलोरी पर केल्विन पर मोल यूज करेंगे इसको। और देखो एम हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट का, ठीक है। और एल एफ हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा एच एफ ये हो गया चेंज ऑफ इंथाल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ ए सॉल्वेंट। और टी एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। टी एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। यहाँ पर देखो टी एफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसको राइट डाउन करो। और देखो के एफ का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देने होगा के बी से, और लिक्विड के केस में देखो एल बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन हमेशा ग्रेटर देन होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसीलिए क्या होता है, के एफ का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है किससे, के बी का। इसको लिख लो, चलो ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब एक एग्जांपल से के एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का, इफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 1436.3 कैलोरी पर मोल यदि दिया हुआ हो, आइस के एफ का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है। 1436.3 दिया हुआ है यदि कैलोरी पर मोल, तो कैलकुलेट करना है किसको, इसमें कैलकुलेट करना है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यही हो गया। यहाँ के एफ इक्वल्स टू, देखो यह कैलोरी में दिया हुआ है ना, तो आर का वैल्यू 2 ले लो, मोलर मास वाटर का 18, 1436.3 डिवाइडेड बाय 1000 और सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नीचे होगा 36.3, और देखो ऊपर में क्या लेंगे, आइस कितना डिग्री पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, केल्विन में कितना होगा, 273.15 के आसपास होगा। इसको यदि कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक है बच्चे। चलो मैं इस पर एक न्यूमेरिकल लेता हूँ, न्यूमेरिकल लेता हूँ, देखो एक न्यूमेरिकल है, मैं उसको लिखता हूँ। देखो कहता है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2 इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट नंबर में देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन को कैलकुलेट करना है और सेकेंड नंबर में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर मोलर मास निकाल लो, अब देखो हम बनाते हैं, यहाँ पर देखो मोलर मास ऑफ C2H6O2 का कैलकुलेट करोगे तो 62 आएगा। डेल्टा टीएफ हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू के एफ का वैल्यू 1.86, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ 600 × 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 62 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ 600। इसको कैलकुलेट करो, मैं भी कर रहा हूँ कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करके आएगा 2.25 केल्विन। और अभी हम लोग देखे थे डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू फार्मूला होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ, टीएफ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का, तो टीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टीएफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का कितना होता है 273.15, माइनस 2.25 कर लो, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो जितना होगा उतना ही आएगा 270.9 केल्विन के आसपास आएगा, यही मेरा आंसर होगा बच्चे, देख लो इसको राइट डाउन कर लो। चलो ठीक है, आज हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बच्चे फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलूंगा वो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। देखो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जैसे सियाचिन के बॉर्डर वगैरह पर क्या होता है आइस बहुत जल्दी जम जाता है, तो रोड पर क्या करता है सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड को छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए डिप्रेस हो जाए। मैं तुमको अभी तुरंत बताया कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसके रिस्पेक्ट से क्या है इसका बहुत रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिरता है जिससे रोड जाम हो जाता है, वहाँ पर क्या करता है रोड पर जो है ना सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव किया जाता है, जिससे फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है डिप्रेस किया जाता है। तो हम लोग इसको फाइनली स्टडी कर लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में। तो ठीक है बच्चों, वीडियो के साथ बने रहो तुम लोग,
यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, बाय।